अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आई पॉपल यू। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो आज का जो हमारा वीडियो होगा ग्रामर पे होगा। मैं आपको ग्रामर एक्सप्लेन करूँगी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का, एंड मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूँगी जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। और चलिए, और आप लोगों को आई होप अच्छे समझ में आए। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फर्स्ट हमारा पॉइंट है पॉजिटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, हमारे पास तीन पार्ट्स है इसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में। फर्स्ट पॉजिटिव, यूज टू डिस्क्राइब नॉट कंपेयर। पॉजिटिव मीन्स होता है यूज टू डिस्क्राइब बट नॉट कंपेयर, मतलब हम जो चीज़ को सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए कोई सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस जो हमारा होता है कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो, कंपेयर नहीं कर रहा हो, वो है पॉजिटिव सेंटेंस। और फिर है हमारा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मीन्स यूज टू कंपेयर टू थिंग्स। कंपैरेटिव, कोई भी दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं वो कंपैरेटिव होता है। सुपरलेटिव, यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, मतलब सुपरलेटिव जो हम दो चीज़ को नहीं, दो तीन चीज़ को साथ में कंपेयर कर रहे हैं वो होता है सुपरलेटिव। वी यूज देन विद अ कंपैरेटिव डिग्री, यूज द विद अ सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, राम इज अ टॉल बॉय। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बताया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं टॉल बॉय में, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और फिर हमें हम देखें, सेकेंड क्वेश्चन है राजू इज टॉलर देन राम। राजू क्या है, टॉलर देन राम, राम से क्या है, टॉल है। हम दो जन में क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया हमारा कंपेरेटिव। एंड जस्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, श्याम इज द टॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल, मतलब जो श्याम है वो सबसे लंबा है, मतलब यहाँ पर तो हम कितने जन को कर रहे हैं, बहुत सारे जन को, अमॉन्ग ऑल। सो ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव। By adding er for comparative and est for superlative degree, मतलब हम er यूज करते हैं किस में, कंपेयर कर, मतलब कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में हम est यूज करते हैं। जैसे कि टॉलर, हम टॉलर किस में यूज़ कर रहे हैं, हमारे सेकेंड एग्जाम्पल पे राजू इज टॉलर देन राम में er हम टॉलर में यूज़ कर रहे हैं, और टॉलेस्ट में est यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, ऑनियंस आर चीप वेजिटेबल। ऑनियन क्या है, चीप वेजिटेबल, बट फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, टमेटोज आर चीपर देन ऑनियंस। टमाटर प्याज से ज़्यादा चीप है। सो इसमें हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा पॉजिटिव, सेकेंड वन कंपैरेटिव, एंड थर्ड गार्लिक इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, मींस गार्लिक सबसे चीप, मतलब हमारी वेजिटेबल है, ऐसा कुछ है नहीं, बस एग्जांपल के लिए आप लीजिए। सो इसमें देखिए, हमारा जो सेकेंड वाला गार्लिक वाला है एग्जांपल, वो है सुपरलेटिव। टमाटो वाला क्या है, हमने ई आर लगाए हैं, वी एड ई, वी एड ई आर एंड ई एस टू मोस्ट वन और टू सेलेब वर्ड्स दैट एंड इन कंटेंस। तो देखिए, पॉजिटिव डूल मीन्स जो हम पॉजिटिव में है हम क्या यूज़ करेंगे, डील। फिर उसके बाद में कंपेरेटिव में डीलर, एंड सुपरलेटिव में डीलेस्ट, हम कंपेरेटिव में ई आर यूज़ कर रहे हैं एंड सुपरलेटिव में ई एस टी। तो इसके बाद मेरे पास सेकेंड हमारा एग्जांपल है कोल्ड। कोल्ड है पॉजिटिव, एंड जो कंपैरेटिव है हम उसमें ई आर यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगा, कोल्डर, और सुपरलेटिव कोल्डेस्ट, ओके। और जैसे ही हमारे पास है ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा ई आर और ई एस टी, सुपरलेटिव में हम ज़्यादातर यूजुअली ई एस टी यूज़ करते हैं, और कंपेरेटिव में ई आर। वेन द पॉजिटिव इन ई, वी एड ओनली आर एंड ई एस टी द एडजेक्टिव, ओके। वेन द पॉजिटिव ई इन ई, सो अगर पॉजिटिव ई है हमारा जो कि आखिरी में लार्ज की स्पेलिंग में ई है, तो वी एड ओनली आर, मतलब हम सिर्फ आर डालेंगे, ई आर नहीं डालेंगे, डबल ई नहीं करेंगे, बस वही ई के साथ हम आर डाल देंगे, एंड एस टी और एस टी, अगर ई है पहले से तो हम ई एस टी नहीं लगाएंगे, डबल ई नहीं करना है, एस टी ही रखना है।
द एग्जेक्टिव. ओके, अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा हो. पॉजिटिव लार्ज, कंपैरेटिव लार्ज, एंड सुपरलेटिव लार्जेस्ट, लार्जर लार्जेस्ट. ओके, विस विसर विसेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट. और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी. व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन कंटेंस प्लस वाई, वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई आर एंड एल आई ई एस टी. आई ई एस टी मतलब अगर पॉजिटिव में वाई है तो हम वाई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेंटेंसेस में. देखिए जैसे लक्की, लक्की में आखिरी वजह हमारा वर्ड आ रहा है वो क्या है, वाई. अब कंपैरेटिव में हम वाई को हटा देंगे, वाई की जगह हम क्या डालेंगे, आई डालेंगे. तो आई ई आर लक्कीयर. एंड सुपरलेटिव में भी हम वाई को ड्रॉप कर देंगे और आई ई एस टी लगाएंगे, लक्कीएस्ट. ओके, सो अगर कभी भी कोई भी पॉजिटिव में वाई आएगा तो हम उसको वाई हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, आई. और आप देख सकते हैं इजी, इजी में भी वाई है तो हमने वाई को ड्रॉप करा है और आई ई आर डाल के इजियर इजीएस्ट, फनी फनियर फनीएस्ट. व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड फॉर वन सिलेब दैट एंड्स इन वर्ल कंटेंट्स, वी डबल द एडिंग कंटेंट्स. एंड व्हेन एड ई आर एंड ई एस टी पॉजिटिव हॉट. सो हॉटर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट. लैंग्वेज स्टडी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. थिन इज स्ट्रॉन्ग, यातिन इज स्ट्रॉन्ग. सो व्हाट, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट में भी लिखेंगे और वैसे तो आंसर आप लोगों को दिख ही रहा होगा. पॉजिटिव, अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतिन. सो कंपैरेटिव, हम कंपेयर कर रहे हैं यतिन और अमित को. या में परवीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव. पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ई आर लगा रहे हैं हम, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट. देखिए ई आर और ई एस टी आपको रेड कलर में दिखेगा. हमारे पास थोड़े और मतलब एग्जांपल्स है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. चंडीगढ़ इज कूल सिटी. ओके, सो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री. शिमला इज कूलर देन चंडीगढ़. शिमला से मतलब जो है ज़्यादा हमारी क्या है, ठंडी है. तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव, हम कंपेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ और शिमला को. कश्मीर इज द कूलेस्ट ऑफ ऑल, ये क्या हो गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री. एग्जाम्पल्स, परवीन इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल, सुपरलेटिव. यातीन इज काइंड, पॉजिटिव. अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, मैं आपको बहुत सारी सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप लोगों को खुद आंसर देना है. वैसे रेड कलर में आगे लिखा हुआ है फॉर कंफर्मेशन, मतलब कि आप लोग जब आंसर लिख दोगे तो कमेंट्स में मैं आपको वैसे भी रिप्लाई दे दूँगी, लेकिन फिर भी अमित इज काइंडर देन यतिन. फिर में हम यहाँ पर भी देखेंगे, आप जो आंसर आपको दिख रहा है आपको वो देखना ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिख के दिखाना है. यतिन इज स्मॉल, परवीन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, अमित इज स्मॉलर देन यतिन. ओके, फिल इन द गैप इन द टेबल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव टॉल, कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट. तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको अपनी बुक में लिखना है. और ये जो मैंने आपको सब पढ़ाया, जैसे कि हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट, नियर नियर नियरेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, आप देख सकते हैं ई है तो हम एक ई को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ ई आर जो स्पेलिंग में है डबल ई नहीं लगाएंगे. और वाई है तो हम क्या कर देंगे, अर्ली अर्लियर अर्लीएस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, हाई हायर हाइएस्ट. Adjectives which have more than two syllables, take more than, more and most before them or from comparative and superlative degrees. For example, successful positive degree है, हमें सबको पता है. More successful comparative degree है. And most successful मतलब हम more कब लगाते हैं, दो जन को compare करने के लिए. But most कब लगाते हैं,
मोर देन टू थिंग्स को हम कंपेयर जब करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, मोस्ट। एंड जब हम दो चीज़ को ही कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, मोर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और एग्जांपल, कलरफुल। ये क्या है हमारा, सिर्फ कलरफुल। सो ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री, मोर कलरफुल। तो ये क्या हो जाएगा, मोर अगर हम लगाएंगे मोर कलरफुल देन रोज़, तो ये हमारा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। एंड मोस्ट हम कब लगाएंगे, जब सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो मोस्ट लगाएंगे। अब हमारे पास देखिए एक और एग्जांपल है, पॉपुलर पॉजिटिव, मोर पॉपुलर देन सचिन एंड विराट कोहली इज़ पॉपुलर देन ऑल ऑफ देम। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पर हम मोस्ट किस में लगा रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री में, और मोर कंपैरेटिव डिग्री में। गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो यहाँ पर मोर और मोस्ट के बहुत सारे मैंने क्या दिए हैं एग्जांपल, आप लोग शायद इसमें लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि स्पेशल, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल। मोस्ट किस में लगेगा, सुपरलेटिव में, और मोर लगेगा कंपैरेटिव में, और पॉजिटिव बस पॉजिटिव रहेगा। अब ये आप लोगों का, सो ये है आपका होमवर्क कि आपको ये मैंने जितने भी वर्ड्स दिए ये क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको इसके आगे लगाना है, मतलब ESC और ER लगा के आपको इसको पूरा कंफर्म करके मतलब होमवर्क करना है। ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन है। अब ER और जैसे कि हैप्पी है, तो हैप्पी में क्या आएगा, हैप्पियर में IE हम लगाएंगे, Y को ड्रॉप कर देंगे, जैसे प्रीटी और हैप्पी में। और ई वाला है हमारे पास नहीं है, तो ई वाले में आपको क्या याद है ना, तो आपका ये होमवर्क है, आपको घर से करना है। और ओके, बाय बाय दादा, अल्लाह हाफिज़, एंड कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ विथ मी, आई होपल यू लव योर सेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, देखिए आपका होमवर्क है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।